नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लकी गुजराल और लेकर आया हूँ एक और बहुत अच्छी न्यूज़। काफ़ी दिन से जिन लोगों ने नवोदय विद्यालय समिति के टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, उन उनके लिए कुछ अच्छी न्यूज़ आई है कि उनका शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का रिजल्ट आया है। जो शॉर्ट लिस्ट के लिए किया गया, जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे और कैसे कैसे क्या क्या जानकारी है, चलिए अपन देखते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर रोज हमारे यहाँ से जो भी कोई मतलब टीचर्स की वैकेंसीज होती हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती है। उसी के साथ हमारे यहाँ पे D++B की क्लास भी हम करवा रहे हैं, म्यूजिक की और म्यूजिक सब्जेक्ट की। तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं रात को 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक। तो चलिए देर ना करते हुए देखते हैं क्या है आज का, क्या न्यूज़ है। ये आपके सामने नोटिफिकेशन आ गया, ओपन हो गया होगा, चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो ये देखिए, आज का ही नोटिस है। नवोदय विद्यालय समिति मानव संसाधन विकास मंत्रालय का स्वायत्त संस्थान, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार। ठीक है, और ये इसके अंदर ये इसके रेफरेंस कोड नंबर है और ये आज की डेट 21/2/2020। तो इसके अंदर ये नोटिस आया है कि जो जुलाई 2019 के अंदर 6 से 12 जुलाई तक जो नोटिस निकला था और जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ था 18/9/2019 को, टीजीटी हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस एंड सोशल स्टडीज ऑनलाइन ऑब्जेक्शंस वी आर इनवाइट, मतलब ये एग्जाम हुआ था उसके बाद इन्होंने 24/9/2019 से लेकर के 28/9/2019 तक इन्होंने उसका ऑब्जेक्शन लिया था। जिनको भी प्रॉब्लम थी कि ये क्वेश्चन गलत हो सकता है या नवोदय विद्यालय ने इसको गलत किया, जबकि ये सही, इसका ऑप्शन ये होना चाहिए था, जिन्होंने ये नोट ऐसा कुछ डाउट था, तो उनके लिए करेक्शन के लिए इन्होंने जो डेट दी थी वो 24 से लेकर के 29 तारीख तक की डेट दी थी, जिसमें ऑब्जेक्शन आप कर सकते थे। उसका 24 के बाद बेसिक परफॉर्मेंस इज सीबीटी, कैंडिडेट हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू के लिए वो लोग शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं फॉर पोस्ट टीजीटी। टीजीटी में कौन कौन से, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस एंड सोशल साइंस या सोशल स्टडीज। इन द रेशियो 1/3, मतलब 1 पर 3 लोगों को उन्होंने बुलाया है। ऑफ द रिसाइज वैकेंसीज एज नोटिफाइड वाइड नोटिस डेट 22/1/2020, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू इज अपॉइंटेड फॉर इंफॉर्मेशन टू ऑल कंसर्न्ड, शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द समिति इन ड्यू कोर्स। हाउएवर द इंटरव्यू आर टेंटेटिवली शेड्यूल टू स्टार्ट फॉर्म 16/3/2020। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू आर देयर फॉर रिक्वेस्ट टू विजिट द वेबसाइट फॉर समिति रेगुलरली फॉर लेटेस्ट अपडेट के लिए। मतलब इन्होंने कहा है कि लेटेस्ट अपडेट के लिए आपको कंटिन्यू उनकी वेबसाइट पर जाते रहना है, देखते रहना है, और कब इसकी डेट आएगी, जैसे ही आएगी तो आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो ये देखो, विक्रम जोशी जी जो है डिप्टी कमिश्नर, उनके साइन है और आज ही के दिन ये निकला है, देखते हैं। तो ये था, ये आई है। देखो दोस्तों, मैं नाम तो पूरे नहीं पढ़ पाऊंगा और ना ही मैं पढ़ूंगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को दिखाता जाऊंगा कि ये आया नवोदय विद्यालय समिति रिक्वायरमेंट ड्राइव सीबीटी डेट 18 सितंबर 2019, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज सेकेंड, सेकेंड स्टेज के लिए। मतलब पहला आपने एग्जाम दिया, रिटर्न एग्जाम आपका क्लियर हो गया, उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट में रखा गया है। तो ये आपके सामने लिस्ट आई है और आप इसके अंदर शॉर्ट लिस्टेड हो, अब आपका इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो देखते हैं कितने लोग हैं। ये टीजीटी इंग्लिश के लिए पोस्ट कोड 13, इसके अंदर ये लोग हैं, कितने लोग हैं देखते हैं।
तो दोस्तों ये जो लिस्ट है, आप चाहें तो इस लिस्ट को मैं, इसकी जो ये नोटिफिकेशन है, इसको पूरे को ही मैं इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक पे दे दूंगा, तो आप वहां से भी इसको क्लिक करके पूरी देख भी सकते हैं, अपना नाम चेक कर सकते हैं अगर आपके पास ये लिस्ट नहीं हो तो। इंग्लिश के लिए करीबन इन्होंने 50 लिस्ट है दोस्तों, आप इंग्लिश वालों के लिए। मुझे लग रहा है जो टोटल जो कैंडिडेट ने अप्लाई किया था उन सब का आया है ये। इसके अंदर से जो टॉपर होंगे उनको ये अब बुलाएंगे या क्या रहेगा, ये तो पूरी जानकारी इन्होंने दी नहीं है, आपको वहीं से मिलेगी। पोस्ट कोड 13, इंग्लिश 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 इंग्लिश, ये इंग्लिश देख लीजिए कितने हो गए, ओ सॉरी ये हैं। तो इन्होंने 1049 लोगों को इंग्लिश के लिए शॉर्ट लिस्टेड रखा है, और इन्होंने कहा है कि 1/3 मतलब 1/3 लोगों को बुलाया है। तो क्या इन्होंने करीबन 400 के करीब या 375 ऐसे कुछ वैकेंसी थी शायद, तो उसके अनुसार इन्होंने 1049 लोगों को लास्ट में अमित कुमार नाम के जो है इनको इन्होंने बुलाया है। ठीक है, तो ये थे 101 मतलब इंग्लिश के, ऐसे ही हिंदी के पोस्ट कोड 14, इसके भी इन्होंने वो निकाली है, तो इसके अंदर भी देखते हैं कितने लोगों को इन्होंने बुलाया है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोगों को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा है, टोटल कितने कैंडिडेटों को बुलाया है, देखते हैं। इसमें भी शायद उतने ही कैंडिडेट के आसपास हैं। ये देखिए 1000 के ऊपर बुलाए हैं, इसमें तो इंग्लिश से भी ज्यादा कैंडिडेट बुलाए हैं, तो शायद पोस्ट भी इसकी ज्यादा होंगी। ये देखिए इन्होंने 1180 कैंडिडेट हिंदी टीजीटी हिंदी के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। ठीक है, और ये है मैथ, टीजीटी मैथ के लिए पोस्ट कोड 15, इसके भी तो जिनके भी जैसे मान लीजिए और भी जो सब्जेक्ट वाले हैं वो भी तैयार रहे, इन्होंने जल्दी ही इनके भी रिजल्ट निकालने वाले हैं, एक दो दो चार चार पोस्टों के साथ ये रिजल्ट देते जाएंगे, और जहां तक है अप्रैल तक या फिर जुलाई में, फर्स्ट जुलाई के फर्स्ट वीक में ही आप लोगों को ज्वाइन करवा दी जाएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप ऐसी ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करके आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों ये थे 970 लोग मैथ्स के लिए इन्होंने इनवाइट किए हैं शॉर्ट लिस्टेड के रूप में। तो यहाँ से ये है टीजीटी साइंस के लोग, साइंस की लिस्ट है, तो ये भी अपन देख सकते हैं कितने लोग हैं, और सोशल साइंस, चार सब्जेक्ट को ही निकाला है इन्होंने, हिंदी इंग्लिश मैथ और साइंस और सोशल साइंस, ये इन्होंने इन चार सब्जेक्टों का रिजल्ट दिया है। ये देखिए टोटल 591 जो सोशल साइंस के लिए इन्होंने रखा है, ज्योति शर्मा जी अंतिम जो कैंडिडेट है लिस्ट के अंदर उनका नाम है। अगला अगला देखते हैं सोशल स्टडीज, तो ये सोशल स्टडीज में भी काफी सारे लोग हैं, ये इसमें भी करीबन 500 से 600 के करीब होंगे, सभी को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, आप लोग विजिट करते रहें उसकी साइट पर भी, और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप
हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। ये देख लीजिए दोस्तों, इसमें भी 600 और कुछ 609 लोगों को इनवाइट किया है इन्होंने, शॉर्ट लिस्टेड किया है सोशल साइंस के लिए, पोस्ट कोड 17 के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और ये जानकारी जिनका भी हुआ है उनको तो बहुत ही बहुत खुशी हुई होगी। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो, सच में आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, ताकि और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर एक नई वीडियो के साथ अपन मिलते हैं। धन्यवाद।